तीन बार बिहार के सीएम रहे जगन्नाथ मिश्रा का आज दिल्ली में निधन हो गया। लंबी बीमारी से जूझ रहे जगन्नाथ मिश्रा आज सुबह दुनिया को छोड़कर चले गए। मिश्रा के निधन की जानकारी मिलते ही राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर दौड़ गई। बिहार में उनके चाहने वाले गम में डूब गए। बता दें कि बिहार के पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा का दिल्ली में लंबे समय से इलाज चल रहा था। तीन बार बिहार के सीएम रह चुके डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा दिल्ली में अपने जीवन और मौत से जूझ रहे थे, लेकिन आखिरकार वो आज इस जंग को हार गए। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कॉलेज प्रोफेसर के रूप में किया था। बाद में बिहार विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने थे। बचपन से ही उनकी रुचि राजनीति में थी, क्योंकि उनके बड़े भाई ललित नारायण मिश्रा राजनीति में थे और वो देश के रेल मंत्री भी थे। श्री मिश्रा विश्वविद्यालय में पढ़ाने के दौरान ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए थे और बाद में 1975 में पहली बार बिहार के सीएम बने। दूसरी बार उन्हें 1980 में कमान सौंपी गई और आखिरी बार 1989 से 90 तक बिहार के सीएम रहे। वे 90 के दशक के बीच केंद्रीय मंत्री भी रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि जगन्नाथ मिश्रा जमीन से जुड़े नेता थे। बिहार की जनता में मजबूत पकड़ और सियासी दावपेच में महारत हासिल कर रखा था उन्होंने। चारा घोटाले के मामले में जगन्नाथ मिश्रा का नाम आया था और कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया था। कोर्ट ने उन पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया था और 4 साल की सजा भी सुनाई थी। हालांकि बाद में मेडिकल ग्राउंड पर उनको जमानत मिल गई। ऐसा माना जाता है कि जगन्नाथ मिश्रा और कर्पूरी ठाकुर बिहार के ऐसे सीएम माने जाते हैं जो पंचायत तक के नेताओं और कार्यकर्ताओं के नाम और घर का पता याद रखते थे, उन्हें चिट्ठी भी लिखा करते थे। जगन्नाथ मिश्रा वैचारिक तौर पर कांग्रेसी ही रहे, लेकिन बाद में वैचारिक टकराव के कारण वो शरद पवार की पार्टी एनसीपी में चले गए। इंदिरा गांधी के समय से लगातार वो सियासत में बहुत मजबूती से रहे। राजीव गांधी का दौर आया और पीवी नरसिम्हा राव से भी उनके अच्छे संबंध रहे। उनके निधन पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शोक व्यक्त किया है।